हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स क्लास थर्ड के लिए। बच्चों, आप स्टार्टिंग से ही काउंटिंग करते आ रहे हैं, उनको नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 2 3 सब क्या है? नंबर्स है। आप पिछली कक्षाओं में भी नंबर पढ़ के आए होंगे, तो लगभग आप 100 तक नंबर पढ़ के आए हो। आज हम उससे बड़ी संख्याओं के बारे में, बड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज थाउजेंड्स तक नंबर के बारे में रीड करेंगे हम। मैं अगर इसी नंबर की बात करूं, 9683 नंबर्स काउंट करने का तरीका, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो ये बन गया हमारा 3869। अब और नंबर लेते हैं हम, 93, तो 8093। फोर जीरो जीरो सिक्स, थाउजेंड की वैल्यू 6, हंड्रेड की 0, टेंस की 0, वंस की 4। तो इसको क्या लिखेंगे हम? 6004। ये तो हो गए हमारे न्यूमेरल्स से नंबर नेम। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ऐसे नंबर्स में, वो भी जब नंबर नेम से न्यूमेरल्स राइट करते हैं। इसमें तो बच्चे अक्सर कर लेते हैं। अब हम करते हैं नंबर नेम से न्यूमेरल राइट करना। एट थाउजेंड सिक्सटी एट। अगर बच्चों मैं इसी को राइट करता हूं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टीएच, 8000। तो थाउजेंड कितना है आपके पास? 8000। 68, 100 नहीं है, 68, तो 100 के स्थान पर 0, 8068। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 9006। इसी प्रकार पहले हम वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड कितना है बच्चों यहां पर? 9, तो थाउजेंड के स्थान पे लिख दो 9, 9006। सिक्स कहां आएगा आपका? यहां पर। तो जो नहीं है आपके पास उसके स्थान पर लगा देंगे 0। तो ये बन गया आपका 9006। सबसे अच्छा तरीका है आप वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड लिखो। आपके पास कितना भी बड़ा नंबर आ जाए,
आप उसको अच्छे से राइट कर सकते हैं। अगर आप वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड नहीं लिखोगे तो फिर आप नंबर्स नेम में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं बच्चों हम। फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स, उसी प्रकार वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। नंबर को रीड कीजिए अच्छे से, फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स। थाउजेंड क्या आपका फोर, तो थाउजेंड के नीचे फोर, हंड्रेड कितना आपका एट, हंड्रेड के नीचे एट, सिक्स, सिक्स कहाँ आएगा वंस पे, तो जो बच गया वहां पर जीरो, तो बन गया आपका फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स। इसी प्रकार सिक्स थाउजेंड एट्टी फोर, अच्छा अगर मैं थाउजेंड एट्टी फोर, सॉरी एट लिख दिया मैंने, एट्टी फोर। उसी प्रकार से अगर मैं बच्चों से लिखवाता हूं बिना इसके तो कहां गलती करेंगे बच्चे, सिक्स थाउजेंड, सिक्स थाउजेंड एट्टी फोर। अक्सर बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड नहीं लिखते वो क्या करते हैं, पूरा सिक्स थाउजेंड लिख देंगे फिर एट्टी फोर लिख देंगे, जो कि क्या है, गलत है। इसीलिए आपको मैं पहले ये कह रहा हूं कि आप साइन डिनोट कीजिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। अगर आप ऐसे नंबर्स को लिखते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। थाउजेंड कितना आपका सिक्स, 84, 84 कहां कैसे लिखते हो आप, 8484, 100 नहीं था तो 100 के स्थान पर 0, तो बन गया आपका बच्चों 6084, 6084। तो जो समस्या बिना साइन के आ सकती है वो अगर आप साइन लिखोगे तो वो कभी भी नहीं आएगी। कुछ और एग्जांपल्स के साथ और हम लेते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपको, सबसे पहले जैसे वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, आप अपने माइंड में ये बात बिठा के रखो कि जब थाउजेंड तक की काउंटिंग आएगी तो आपके पास फोर डिजिट आएगी। अगर फोर डिजिट से कम या ज्यादा लिख दी तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। तो थाउजेंड तक की डिजिट्स आपकी कितनी बनेगी, फोर, तो ये आपको ध्यान रखना है। नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, तो उसी प्रकार से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड, हंड्रेड के नीचे एट, फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सिक्स, तो बन गया नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बच्चे इजीली राइट कर देते हैं नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। तो गलती कहां करते हैं बच्चे, जहां पर कोई भी नंबर मिस हो जाए, जैसे हंड्रेड का मिस हो गया, टेंस का मिस हो गया, तो वहां पर बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वहां पर पूरा राइट कर देते हैं। जैसा पहले भी मैंने बताया आपको, वो पूरा सिक्स थाउजेंड लिखेंगे फिर एट्टी फोर लिखेंगे, तो उस गलती की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए आप अपना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड लिखे, ये सबसे अच्छा तरीका है, आप कभी गलती भी नहीं करोगे। अब हम
न्यूमेरल से नंबर नेम लिखेंगे। ऐसे ही जैसे हमने यहां पे नंबर नेम से न्यूमेरल लिखा था, अब न्यूमेरल से जब नंबर नेम लिखेंगे तो फिर हम वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड का प्रयोग करेंगे। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड तो क्या बन गया बच्चों, एट थाउजेंड, एट थाउजेंड। हंड्रेड नहीं है तो हंड्रेड के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना, ना में जीरो हंड्रेड लिखना ना कुछ, बस सिर्फ एट थाउजेंड। उसके बाद क्या है, नाइन सिक्स, नाइनटी सिक्स, तो एट थाउजेंड नाइनटी सिक्स। फोर थ्री टू नाइन, उसी प्रकार से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन। तो बच्चों आप अपनी तरफ से भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं चार डिजिट का, और उसको नंबर नेम में लिख सकते हो। तो आज का आपका टॉपिक यही है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट भी लिख सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व आउट कर देंगे। थैंक